हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मुझे सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो आज मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे पास में थोड़ी सी मिर्च, लाल सूखी लाल मिर्च है, और ये मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी थी 4 घंटे पहले। और उसके बाद में मैंने क्या करना है, इनको थोड़ा सा हाथ पे लगाना है तेल, क्योंकि मेरे को मिर्च बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो मैं हमेशा जब भी ये चीज़ें बनाती हूँ तो मैं पहले हाथ पर तेल लगा लेती हूँ, जिससे कि मिर्चें मुझे परेशान ना करें, क्योंकि मिर्चें परेशान करती हैं, इसलिए मैं तेल लगाती हूँ। और मैंने इसको निकाल के डाल लेना है एक मिक्सर जार में। सारी मिर्चों को मिक्सर जार में डालूँगी और ये इतनी अच्छी चटनी बन के तैयार होती है ना। और इसमें डालूंगी लहसुन। बारिश के मौसम में ये वाली जो चटनी मैं बना रही हूँ ये ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नुकसान करती हैं। तो इससे आप अगर एक चम्मच भी खा लोगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने इसमें डाला टमाटर, लहसुन और लाल मिर्च। इनको मैं सबको पीस लूँगी अच्छे से। इसमें थोड़ा सा डालूँगी जीरा और थोड़ा डालूँगी नमक और कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता मेरे घर पर लगा हुआ है तो मैं ताज़ी ताज़ी तोड़ के बना लेती हूँ। और ये मैंने पीस लिया अच्छे से। अब पीस के इसको निकाल लूँगी, इसके ढक्कन में से भी सारा कुछ निकाल लूँगी। और अब मैं फ्राई पैन रख दूँगी और इसके बाद इसमें लगाऊँगी तड़का। तड़का मैं किस चीज़ का लगाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने डाला थोड़ा ऑयल और थोड़ा डालूंगी इसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता और प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन करने के बाद में इसको अच्छी गोल्डन करके इसमें फिर डालेंगे अपनी चटनी। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये शिमला मिर्च काटी थी मैंने किसी और के लिए, लेकिन मैं नहीं बना पा रही हूँ उसको। अब ये मैंने यहाँ लिया चिड़वे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसको अरवा बोलते हैं, चिड़वा बोलते हैं, कहीं कहीं इसको लाई भी बोलते हैं। तो मेरे पास ये रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो इस चटनी के साथ में थोड़ा सा कुछ अलग सा बना के खाते हैं, क्योंकि मैं ही हूँ घर पर और मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ और आरती भी खा लेगी। बस मुझे ही लग रही है भूख, आरती तो खाती रहती है पर मेरे को लग रही थी भूख, तो मैंने बनाई। और ये चटनी को मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसको सिम गैस के ऊपर पकने दूंगी। जब तक इसका तेल रिलीज नहीं होगा तब तक मैं इसको पकाऊंगी। तो ये हमारी चटनी में मैंने इसमें नमक, जीरा, भुना हुआ जीरा, काला नमक, हींग ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा। वैसे तो लाल मिर्च सारी है। तो देखो इसके अंदर से ना तेल रिलीज हो गया है, अब इसमें तेल नज़र आ रहा है। तो मैं इस स्टेज पे इसको कर दूंगी गैस को बंद और हमारी चटनी बनके होगी तैयार। आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप जैसे पिज्ज़ा बनाते हैं या ब्रेड के ऊपर आलूओं की फिलिंग रख के ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं इसके साथ। वैसे भी जैसे मोमोज़ की चटनी बनती है, ये मैं ऐसे इस बारिश के मौसम में ज़रूर बना के बच्चों को खिलाती हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन भी है और लाल मिर्च वैसे नुकसान करती है लेकिन इसके साथ में फ़ायदा करती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला नींबू और इससे थोड़ी सी खट्टी खट्टी लगेगी और इसको बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं ब्रेड के साथ। जैसे आपने ब्रेड के सैंडविच बनाना है या कुछ भी बनाना है उसके लिए चटनी बहुत अच्छी है। अब मैं इसको भी पीस लूँगी। जिस मिक्सर जार में मैंने चटनी का सामान पीसा है उसी में मैं इसको डाल दूँगी और इसको भी बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लूँगी। आप इसमें सूजी डाल सकते हो। आज मेरे पास सूजी ख़त्म हो रही थी तो मैंने इसमें बेसन डाला है और मैंने डाला आधा कप दही। और दही डालने के बाद में डाला मैंने आधा कप बेसन। आप बेसन की जगह इसमें सूजी डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से फ्लफी बनेंगी। तो मैं इसकी बना रही हूँ आज छोटी छोटी सी टिक्कियाँ सी, जो भाप में बनाऊँगी।
तो बस इसमें मैंने डाला नमक। खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसमें नमक डाल के सिर्फ नमक डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। थोड़ी सी हींग डाल दूंगी, बाकी इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालूंगी। तो ये हमारी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और ये भाप में बना रही हूँ, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होगा, तो खाने में पचने में भी आसानी और ऑयल बिल्कुल फ्री। तो बस अब मैंने इसके ऊपर, पहले मैंने रिंग रख दिया था, तो फिर इसके ऊपर मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने दोबारा से दूसरा रखा कि कटोरियाँ रखनी है मैंने। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा इनू पाउडर और मीठा सोडा मैं पहले डाल चुकी थी। तो बस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया नमक और इनू को, और मैं इनको कटोरियों में रख दूंगी। 5 से 10 मिनट रखूंगी, ये बन के तैयार हो जाती है। आप इसमें सूजी मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसमें बेसन मिलाया है, लेकिन बेसन भी बहुत अच्छा है, बेसन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बेसन से बनाई है। आप इसको सूजी से बनाएंगे तो ज़्यादा फ्लफी बनेंगी, लेकिन मुझे फ्लफी नहीं देखनी थी। मुझे तो इस टाइम भूख लग रही थी, घर पर कोई है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना बना के खाया जाए कुछ। क्योंकि अलग जो हम अकेले रह जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा मन करता है कि कुछ ना बनाओ, जल्दी बन जाए। ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। बस 5 मिनट इसको चटनी बनने में लगी और 5 मिनट इसमें लगी, 10 मिनट। अब ये हमारी ढक देंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे बस। तो ये देखो बिल्कुल जैसे फ्लफी बनाना है तो इसमें सूजी डालें, अगर वैसे ही आपको खाना चटपटा और चटाकेदार तो ऐसे बना लें। तो मैंने इसमें सूजी नहीं डाली है और मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। पांच कटोरी हैं, इनमें से थोड़ी सी बचेगी तो मैं आरती के लिए रख दूँगी, बाकी तो सब शाम को आएंगे रात को। तो बस अब मैं इनको निकाल निकाल कर रख लूँगी। ये आराम से निकल आती है, देखो निकल गई बाहर, आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। देखो चाकू से थोड़ा सा इसके छुड़ा देंगे ना तो ये छुट गए। अगर आप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी है। देखो कितनी लचीली बनी है, बहुत अच्छी बनी है, खाने में बहुत टेस्टी। और ये देखो ये हमारी आज की नाश्ता रेसिपी बन के हो गई तैयार, और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है और खाने में भी बहुत टेस्टी। तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक लिए